और इसी बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जिला पूर्ति विभाग मथुरा ने आज शुक्रवार को महापौर डॉक्टर महेश आर्य बंधु द्वारा डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 18 में लोगों को नवीन राशन वितरण किया है। इस अवसर पर महापौर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के हित में लगातार काम किया जा रहा है और इसी क्रम में जो अत्यंत गरीब व्यक्ति है जैसे कचरा बीनने वाले या ठेला लगाने वाले लोगों को उनको राशन कार्ड के बिना ही राशन दिया जा रहा है। बता दें आपको कि उन्हें चिन्हित कर अब राशन कार्ड भी जल्द ही उनका बनाया जाएगा और इससे उन्हें समय से राशन मिल सकेगा, अपने परिवार के साथ वो भरण पोषण कर सकेंगे। और इस मौके पर ARO जिला पूर्ति विभाग मथुरा सुशील तिवारी पार्षद प्रतिनिधि अब्दुल मलिक पार्षद प्रतिनिधि जाकिर हुसैन श्याम मुरारी चौहान और संतोष कुमार पवन शर्मा जैसे तमाम दिग्गज और अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर प्रत्येक वार्ड में 25-25 लोग जो विशेष गरीब हैं जैसे पन्नी बीनने वाले हैं कमाड़ा बीनने वाले हैं ऐसे लोगों को 25-25 कार्ड प्रत्येक वार्ड में दिए गए हैं और उनको उसी हिसाब से जिस हिसाब से कि राशन मिलता है 1 यूनिट पर 35 किलो राशन उसी हिसाब से आज यहाँ वार्ड नंबर 18 में हमारे यहाँ पार्षद हैं अब्दुल मलिक जी उनके द्वारा यहाँ वितरण कराया जाएगा और विशेष तौर पर मुझे बुलाया गया है। और हाल ही में मिर्जापुर हॉस्पिटल चौकी के पास मंडलीय अस्पताल से 10 महीने का बच्चा चोरी हुआ। हाल ही में चोरी हुए इस बच्चे के बाद पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े होने लगे और इस बीच कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला है। विद्याचल अचल चौक के पास से सड़क किनारे से इस बच्चे को बरामद कर लिया गया। दरअसल एक महिला राहगीर ने इस बच्चे को लाकर पुलिस को सौंपा है। आखिर विंध्याचल के अटल चौक के पास ये बच्चा कैसे पहुंचा यह अभी भी जांच का विषय है और बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गौरतलब है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बच्चा ढूंढ निकाला है। देखिए कल दोपहर में जो है कोतवाली शहर में थाना अंतर्गत मंडली चिकित्सालय के प्रांगण में कल एक बच्चा लगभग 1:30 बजे के आसपास मिसिंग की सूचना चौकी को मिली थी और उसके आधार पर अधिकारियों को थोड़ा सा देर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर मेरे द्वारा COCT द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण परीक्षण किया गया। हमारी SWAT टीम SOG टीम कोतवाली शहर की टीम तथा तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसकी समीक्षा किए तथा वहां के SIC और अस्पताल के स्टाफ से भी और वहां के फुटेज वहाँ का जो वीडियो कैमरा लगा था सब देखा गया। बाकी अन्य टीमों को भी जगह जगह रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आधार पर चेक किया गया तथा इसके साथ साथ तमाम जो ग्रुप बने हुए मीडिया के साथ साथ पब्लिक का ग्रुप बना है सब में उसके फोटोग्राफ्स डाले गए और पुलिस की 3 टीमें सक्रिय हुई। तत्काल प्रभाव से रात भर इसमें प्रयास किया गया है और सुबह बच्चे को बरामद कर लिया गया है।